रहा था और आज हम लेके आपके लिए स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो की एन मॉडल निकलने की वजह से स्कॉर्पियो क्लासिक में थोड़ा सा चेंजिंग किए गए करके 2022 में अपडेट मॉडल निकला है जो कि बहुत शानदार लगता है और इसे आप ऑफ रोडिंग कार भी कह सकते हो। और इसमें टॉप मॉडल में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं और एयरबैग सबको ना मिले फिर भी आपको विश्वास आना चाहिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती कार में और फुली सेफ्टी मिली है। और सेफ्टी की बात की जाए तो 2 एयरबैग्स आगे के व्हील में आपको डिस्क ब्रेक और पीछे के व्हील में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में आपको 360 का कैमरा मिल जाता है। और इसका फ्रंट इस तरह से दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे चेंजिंग मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 6 लाइन मिल जाती है विंड प्रॉप के साथ और महिंद्रा का न्यू लोगो भी मिल जाता है जो कि बहुत शानदार लगता है लोगो। और यहाँ पे हेडलाइट डेक हो गए जिसमें आईक्रो के डिज़ाइन की DRL मिल जाती है और यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है और यहाँ पे भी DRL मिल जाती है और हेलोजन फॉग लैंप मिल जाती है और यहाँ पे थर्मल का यूज़ किया गया मिलता है और यहाँ पे स्कीड प्लेट मिल जाती है और बोनेट भी काफ़ी बड़ा दिया गया है और यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए थोड़ी स्पेस दी गई है और इसका फ्रंट प्रोफाइल भी कुछ शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और अब हम बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और टायर व्हील भी काफ़ी बड़े दिए गए और यहाँ पे एम हॉक का बेजिंग साइड लाइट, यहाँ पे स्कॉर्पियो की बेजिंग फुट स्टेप मिल जाता है जो कि काफ़ी सारा वजन संभाल सकता है और इसका मैन्युअली ORVM और यहाँ पे सिंपली हैंडल दिए गए हैं और पीछे के टायर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हो और ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिलता है कार में आपको। और इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें अप में आपको रोफ व्हील भी मिल जाती है और इसका रियर प्रोफाइल भी बहुत शानदार तरीके से दिया गया है जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया मिलता है जिसमें टेल लाइट में भी चेंजिंग किया गया है। ये तो दिया ही गया है पर यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइन खींची गई है और यहाँ पे स्कॉर्पियो की बेजिंग मिल जाती है जिससे टेल लाइट की डिज़ाइन और भी शानदार लगती है और यहाँ पे भी फुट स्टेप दिया गया है, ये भी काफ़ी सारा वजन संभाल सकता है और यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का बेजिंग, यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड का बेजिंग और डी फोकल ग्लास मिल जाते हैं आपको। रियर में वाइपर वॉशर मिल जाते हैं, यहाँ पे वाइपर है और वॉशर यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे नानावती के शोरूम से हम बात कर रहे हैं अभी और यहाँ पे आईमोन स्टॉप लैम्प, यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग की गई है, रियर कैमरा यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो जो कि बहुत शानदार तरीके से दिया गया है सेंटर में और यहाँ से आप डिक्की खोल सकते हो जिसमें आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे हैंडल मिल जाता है और यहाँ पे अनलॉक हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे हाइमोन स्टॉप लैंप मिल जाता है, स्पॉइलर भी बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे भी हैंडल मिल जाता है आपको और यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हो और आपकी फ्यूल कैप खुल चुकी है और ये सीट भी आपको एडजस्टेबल मिलती है जो कि इस तरह से आप इसे एडजस्टेबल कर सकते हो और पीछे की सीट भी मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है और काफ़ी और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है यानी आप इसे ये कार को लॉन्ग टूर पे भी ले जा सकते हो और टॉप भी काफ़ी ऊंचा दिया गया है यानी आपको यहाँ पे रिलैक्स करना हो तो यहाँ पे भी आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। और इसका रियर प्रोफाइल भी वो शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है और एक ग्लास भी आपको एडजस्टेबल मिलता है जो कि आप अंदर से खोल सकते हो जो कि एयर हवा आराम से आ सकती है और आपको ज़्यादा गर्म नहीं महसूस होगा। सिंपल एंटीना मिल जाता है आगे में
और अब हम बढ़ते इसके इंटीरियर की तरफ। इसमें डोर भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। यहाँ पे अनलॉक हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे फैब्रिक की फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पे विंडो मिरर स्विच, डोर लॉक अनलॉक स्विच, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है और आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं कार में। और इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। और अब हम बढ़ते हैं इसमें आपको मैन्युअली ड्राइवर सीट मिल जाती है, आपको पावर स्टेयरिंग मिल जाती है और इसकी की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दी गई है और की के भी महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है जिससे की डिज़ाइन भी बहुत शानदार तरीके से लगती है। और यहाँ पे ओआरवीएम कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्यूल कैप खोलने का स्विच मिल जाता है, हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, एसी वेंट की डिज़ाइन भी बहुत शानदार तरीके से दी गई है और यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। और स्टेयरिंग की बात करें जिसपे आपको लेदर का फिनिशिंग मिल जाता है, सेंटर में महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है और एयरबैग्स भी मिल जाता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट और आप ये स्विच से आप ड्राइवर आप डिस्प्ले का सब कंट्रोल चला सकते हो। और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। और अब हम देखते हैं कार स्टार्ट करके और इंजन भी बहुत साइलेंट है इसका। और आप देखोगे तो आपको ड्राइवर डिस्प्ले भी बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई मिलती है जिसमें RPM, स्पीडोमीटर, MID, इसमें आपको काफ़ी सारे नेविगेशन मिल जाते हैं और काफ़ी सारी वार्निंग लाइट भी मिल जाती है। और ये भी एक सेफ्टी लायक की बात है। और डैशबोर्ड देखोगे तो डिस्प्ले ब्लैक फिनिशिंग किया गया है और यहाँ पे स्कॉर्पियो का बेजिंग भी मिल जाता है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे बॉक्स दिया गया है जिसमें काफ़ी सारी स्पेस भी मिल जाती है आपको। और यहाँ पे एसी वेन मिल जाती है डिस्प्ले के अप में। हम बात करें मेन डिस्प्ले की जो कि 8 इंच की मिल जाती है जिसमें टाइम, म्यूज़िक, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूज़िक सेटिंग, काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जिसमें ऑक्स, ब्लूटूथ, कैबरेट लिंक, EQ, म्यूज़िक, रेडियो सेटिंग, स्टेयरिंग व्हील जिसमें सेटिंग में नेटवर्क, इंटरनेट, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, साउंड, लोकेशन, यूज़र एंड अकाउंट, कार सेटिंग, गूगल सिस्टम, ये सब आप फ़ोन कनेक्ट करके चला सकते हो जिसमें आपको कैबरेट लिंक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये सब चला सकते हो। यहाँ पे EQ यानी कि कार में आपको कैसा साउंड रखना है ये यहाँ से आप सब कंट्रोल कर सकते हो। और ब्लूटूथ भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और सेटिंग भी डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो आप। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप भी दी गई है और यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक की थीम दी गई है जो कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगता है इससे। और डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे सब एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे पार्किंग स्विच मिल जाती है, काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, मैन्युअली 6 स्पीड गियर बॉटम मिल जाता है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है काफ़ी सारी, यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ ड्राइवर सीट पे और पैसेंजर सीट पे कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हो। और हेड से टॉप लेंथ भी बहुत ज़्यादा है यानी यहाँ पे भी आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो। और आप देखोगे तो यहाँ पे सन वाइज़र मिल जाता है जो कि आपको धूप से बचाता है, यहाँ पे भी सन वाइज़र मिल जाता है पैसेंजर सीट पे जिसमें मिरर विथ मिरर मिल जाता है, यहाँ पे रियर मिरर मिल जाता है जो कि पीछे का सब कैप्चर करता है। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको HM लैंप मिल जाती है। और हम बात करें पीछे वाली सीट की जिसपे फैब्रिक का फिनिशिंग किया गया है और लेदर का फिनिशिंग करना हो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे हैंडल मिल जाता है वीक हुक के साथ और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। और यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाता है आपको वो भी एडजस्टेबल। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विथआउट बॉटल होल्डर के साथ।
और यहाँ पे भी डोर सिंपली मिल जाता है, जिसपे फ़ोन रखने के भी स्पेस मिल जाती है, स्पीकर मिल जाता है, काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, हैंडल भी मिल जाता है, फैब्रिक का फिनिशिंग मिल जाता है, पर्सनल विंडो मिरर स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे HM लैंप मिल जाता है आपको, और पर्सनल सीट बेल्ट मिल जाती है आपको, यानी कि सेफ्टी ही सेफ्टी है। और पीछे वाली सीट में आपको स्पेस मिल जाती है और दो AC वैन मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको लेग से ड्राइवर सीट की स्पेस भी ज़्यादा दी गई है, यानी यहाँ पे भी आप कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हो। और इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और हम बात करें इसके इंजन की, जिसका बोनेट आपको खोलना हो तो आप यहाँ से खोल सकते हो। इसका बोनेट खोलना हो तो आप खोल के हाइड्रोलिक जंप मिल जाते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। और आप देखोगे तो इंजन भी काफ़ी तगड़ा मिल जाता है आपको, जो कि 4 सिलेंडर 2.2 लीटर का इंजन मिलता है, 130 Nm का PS का हॉर्स पावर मिल जाता है, और 300 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें जो कि 16 लीटर की मिल जाती है, यानी कि आपको इंजन भी तगड़ा मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि ये कार आप लॉन्ग टूर पे भी ले जा सकते हो। और इसे क्लोज करना हो तो आसानी से क्लोज कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लग रहे हो तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।